मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ड्राइंग एंड कलरिंग बुक में से पेज नंबर 21 पे ये जो बोर्ड है ये किस तरह से करना है ये हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप्स, इसके ड्राइंग करने के लिए स्टेप्स दिखाए हुए हैं, उसके साथ साथ ये कलर भी किया हुआ है। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो डॉटेड लाइन्स है वो सबसे पहले हम पेंसिल से ज्वाइन करके लेंगे। इस तरह से पेंसिल से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, डॉटेड लाइन जो है वो ज्वाइन की है। अब हम ब्लैक स्केच पेन से इसको फिर से आउटलाइन करेंगे। इस तरह से ये आउटलाइन कंप्लीट करते जाना है। आउटलाइन करके हुई है ब्लैक स्केच पेन से। अब यहाँ पे जैसे कलर दिखाए हुए हैं ये हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे ऊपर की डंडी दिख रही है इसको हम ब्राउन कलर देंगे। इस तरह से हमें ये ब्राउन कलर हमें यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे पिंक दिखाया है तो पिंक यहाँ पे हम कलर देंगे। उसके बाद यहाँ पे येलो कलर दिया है वो हम देंगे। सबसे पहले आउटलाइन करनी है अच्छी तरह से और उसके बाद अंदर कलर फिलअप करना है। उसके बाद बीच में फिर से पिंक कलर दिया है। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट ब्लू कलर और पिंक कलर है। आउटलाइन करो और फिर बीच में कलर करना है। नीचे का पार्ट भी जो है यहाँ पे वो भी इस तरह से ये कलरिंग करके कंप्लीट करना है। इस तरह से ये हमारी बोर्ड कंप्लीट हुई है। इस तरह से आपको भी ये बोर्ड कंप्लीट करके इसकी फ़ोटो निकाल के मुझे भेज देनी है ताकि मैं वो चेक कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।